अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो कनाडा के बेसिक चीज़ों के जो प्राइजेज़ हैं वो सब शेयर करूँगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कनाडा में प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, हर चीज़ के प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, काफ़ी चीज़ें महंगी हो रही हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को सब चीज़ें प्राइजेस के साथ दिखाऊँगी, साथ में जो हमारी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ में हो रही होती हैं उनके भी प्राइजेस बताऊँगी, और आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि वो पहले से अब तक कितना उनमें चेंज आ गया, कितने महंगे हो गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को अपने वीडियोस में जो यहाँ पर रेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि रेंट्स भी कनाडा में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि रेंट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सब लोगों को होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि कनाडा में रेंट्स क्या चल रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा ये थोड़ी सी मैंने सोचा कि पहले बेकरी की चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसके तरफ लेके चलूँगी जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि ये वॉलमार्ट में ये चीज़ें भी इन प्राइजेस पे मिल रही होती हैं, तो आप ये भी थोड़ा सा देखें। उसके बाद हम चल के जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की डेली रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि उन सब के भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग मूव हुए थे कनाडा तब प्राइस बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन अब प्राइस बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उन सब के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब प्राइजेस के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप थोड़ा सा प्राइस भी दिखाया करें, तो मैंने सोचा कि मैं आपको प्राइस के साथ सब कुछ दिखाती हूँ। साथ में आप ये थोड़े से चीज़ें बिक्री की भी देख लें, और ये कि वॉलमार्ट में ये प्राइजेस यही होते हैं, और जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जो दूसरे स्टोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो चीज़ें मैं इसमें आपको दिखाऊंगी दूसरे स्टोर्स में भी यही प्राइस होंगे। ये पत्ती मैं आपको जो दिखा रही हूँ टेटली की, ये इसमें है 216 टी बैग्स हैं, और ये है 997 की, तो ये भी काफ़ी हद तक इसके भी प्राइस ज़्यादा हो चुके हैं। अब ऑयल की तरफ आते हैं, क्योंकि ऑयल भी आपको पता है बेसिक ही हमारी ज़रूरत है, तो आप ये देखें ये ग्रेट वैल्यू का अपना ऑयल है, क्योंकि हर स्टोर का अपना ब्रांड होता है, अपने ब्रांड की चीज़ें होती हैं, उनके प्राइजेस थोड़े से कम होते हैं। वो मैंने आपको 5 लीटर का दिखाया था, ये मैं आपको 3 लीटर्स का दिखा रही हूँ, और ये 3 लीटर्स का आप देख लें ये कॉर्न ऑयल है। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि ग्रेट वैल्यू की जो चीज़ें दिखाऊंगी वो वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है, तो ये कि वो चीज़ भी ठीक होती है, जो अपने ब्रांड्स की इनकी चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, उनमें भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। अब आप देखें ऑलिव ऑयल्स भी हैं और काफ़ी किस्म के ऑयल्स होते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। बाकी ये कि ऑयल की भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हुई है, पहले से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज आ गया। ये जो आटा मैं आपको दिखा रही हूँ शेयर आटा, यहाँ पर मोस्टली लोग यही आटा यूज़ करते हैं, और इसमें 2-3 किस्म का आटा होता है, तो आपकी चॉइस होती है आप देसी स्टाइल में लेना चाह रहे हैं या कौन सा। तो ये आप देखें कि इसके भी ये 18 समथिंग का लगा हुआ है, और इसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। पहले इसके ये प्राइस नहीं थे, जब हम लोग आए थे तो तब इसके काफ़ी कम प्राइस थे, तो अब बस देखते ही देखते हर चीज़ के प्राइस, जैसे हर जगह काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है वैसे कनाडा में भी हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये आपको मैं ब्राउन शुगर दिखा रही हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो जो है ना क्वान्टिटी के हिसाब से उसके प्राइजेज़ हैं। अब जैसे ये देखें ये वाइट शुगर है, पहले मैंने आपको ब्राउन शुगर दिखाई है, तो ये है कि आपकी अपनी चॉइस है, बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्राइजेस के साथ आप देख लें। उसके अलावा ये चावल हैं, और चावल मेन चीज़ यही होती है कि ऑफ़र जब लगती है तभी उठा लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये चीज़ें तो बल्क में उठाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से प्राइस दिखा रही हूँ कि जो अच्छे राइस हैं उनके मैंने सोचा कि मैं आपको प्राइस दिखाऊँ, कि ये देखें $12 का भी है। असल में पता क्या होता है कि हर प्राइस हर तरह की चीज़ मिल जाती है, आप देखें $18 के भी लगे हुए हैं, $12 के भी लगे हुए हैं, ये जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये जो दालें हैं ये तकरीबन होती हैं 4 LB, और आप ये प्राइस इनके देख लें, सब दालों के अलग अलग प्राइस हैं, और जो दूसरे स्टोर्स में तकरीबन यही प्राइस होते हैं, जो हर स्टोर में थोड़ा सा ही चेंज होता है प्राइस में, बहुत ज़्यादा चेंज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, और आप ये देख लें। अब उसके अलावा बड़े पैक्स में भी होते हैं, छोटे पैक्स में भी होते हैं, जो आप लेना चाहें, और जो बड़ा पैक है वो 12 समथिंग का है, तो ये कि
उसके अलावा ये दाल है, ये है 4 LB लेकिन ये $8 की है। उसके अलावा ये कि काफ़ी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस ज़्यादा हो गए हुए हैं, कनाडा में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया हुआ है। उसके अलावा ये कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों से यहाँ पर जो रेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि रेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब आप ये देखें, ये जो है ना, इन पे ये बच्चों के लिए सीरियल्स जो होते हैं इन पे अमूमन डील्स लगी होती हैं। अब आप ये देखें, ये भी जो है ना, इस पर भी ऑफ़र ही है, 3 for $10 है। तो ये है कि ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये पेप्सी कोक वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। ये देखें आप, ये आप अभी ये डील में चल रहा है वॉलमार्ट में ना, और अभी है इसका 1 वीक है डील का। तो ये देखें कि ये बड़ी अच्छी प्राइस में लगा हुआ है, और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप अलग से पोछा लेते हैं वो इतना अच्छा भी नहीं निकलता। और ये देखें, ये पूरा सेट है और इस पर तकरीबन $6 सेफ़ है। तो ये कि ये है भी बहुत अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊं, क्योंकि आगे मैं आपको जाके दिखाऊंगी जो सेपरेट अगर आप पोछा लेना चाहें तो वो जो है ना, वो इतने अच्छे भी नहीं निकलते, और फिर वही बात हो जाती है कि उनका यूज़ जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे जाके मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ वो भी। तो ये जो था, ये मैंने इसलिए दिखाया कि इसका यूज़ भी बहुत ईजी है, और ये कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रहता है। और टिशू जो है वो बाउंटी के बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कि बाउंटी के टिशू भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैंने सोचा है कि आप लोगों को दिखाऊँ प्राइजेस के साथ, आप ये देखते हुए जाएँ। देखें जो नॉर्मल चीज़ें हैं और साथ में ग्रेट वैल्यू की चीज़ें हैं, तो वो जब आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर स्टोर का अपना ब्रांड एक होता है, तो वो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा प्राइस उन्होंने थोड़े से प्राइस नीचे रखे होते हैं, कम रखे होते हैं प्राइस। तो बाकी ये होता है कि आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें निकलती कैसे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है उन चीज़ों के साथ। और जो भी मैं आपको बता रही थी, ये देखें, ये ब्रूम वगैरह है, और ये कि ये आपको सेपरेट इनके आगे के ब्रश भी सेपरेट मिल जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आप मॉप लेते हैं तो उसके साथ का जो है ना आपको आगे अलग से मिल जाएगा बाद में, अगर आपका वो ख़राब हो जाता है तो। लेकिन वही बात है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो ये कि लेकिन मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, उसके प्राइजेस भी दिखा दूँ। ये सब चीज़ें भी आप देख लें कि इसमें भी कितनी वैरायटी होती है, सब वैरायटीज़ हैं, सब प्राइजेज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर वही आप रेगुलर यूज़ करते हैं। और ये कि ऑफ़र्स भी लगती रहती हैं, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, मतलब जब ऑफ़र्स लगती हैं तब अच्छे प्राइस लगते हैं सबको। तो ये कि अगर ऑफ़र में लेने चीज़ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखें, ये डिश लिक्विड्स हैं, इनमें भी काफ़ी वैरायटी होती है, काफ़ी ब्रांड्स के होते हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच किया करें पूरा, और ये कमेंट भी किया करें जिस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। और ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, साथ में आप ये सब कुछ देखें
क्योंकि काफ़ी वैरायटी है, हर चीज़ की वैरायटी है और ये ग्रेट वैल्यू की भी हैं इसमें कुछ। काफ़ी वीडियोस में और भी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हुई हैं प्राइजेस के साथ, और भी स्टोर्स दिखाए हुए हैं मैंने अपनी वीडियोस में। अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरी दूसरी वीडियोस पे भी विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कनाडा में प्राइजेस ग्रॉसरी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो ये कि एक ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें। उससे ये है कि आप जितने भी डील्स चल रही होती हैं स्टोर्स पे, वो सब फ्लायर्स आप घर बैठे देख सकते हैं। कि आप लोगों को जब आपने स्टोर पे जाना है तो उससे पहले आपको घर में सब कुछ पता हो कि किस किस चीज़ पे डील लगी हुई है, किस किस चीज़ पे प्राइस जो है ना अच्छे लगे हुए हैं, तो वो आप लोग अगर घर से देख के जाएँ। और ये कि काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं जो प्राइस मैच भी करते हैं, तो अगर ये ऐप आपके पास होगी आपके मोबाइल में तो आप वो सारे प्राइजेस देख के जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये भी आप ज़रूर देखें। ये जो ऐप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये आप लोग ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग सब चीज़ों के प्राइस घर से देख लेंगे और सब फ्लायर्स इसमें जो है ना शो हो रहे होते हैं, हर स्टोर का फ्लायर आपके पास आ रहा होता है, तो आप ये कि घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं कि कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए योगर्ट जो होती है 3% वाली ज़रा ज़्यादा सही होती है, वैसे 2% भी मिल जाती है, तो आपको 277 से लेके $3 तक की मिल जाती है यहाँ पर दही जो है। तो ये कि आपकी अपनी चॉइस है कौन सी वाली आप लोगों को पसंद आती है। दूध भी काफ़ी किस्म के होते हैं, फ्लेवर मिल्क्स भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। और ये देखें ये अंडे हैं, और ये 30 वाले जो हैं उसमें ज़रा थोड़ा सा डिस्काउंट होता है। ये देखें ये जो है ना 848 के मिल जाते हैं, और दूसरे स्टोर्स पे भी तकरीबन यही प्राइस होते हैं। ये आप लोगों को मैं वॉलमार्ट दिखा रही थी, उसके अलावा भी काफ़ी स्टोर्स मैंने अपनी वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। और आप ये देख लें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी, फ्रेश गोभी है 597 की एक। और ये जो है ना ये मिनी पोटैटोस, ये बड़े अच्छे रहते हैं अगर आपने रोस्ट के लिए या कुछ ऐसा बनाना हो तो बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखें जो रस होते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी ये आइसक्रीम के प्राइस मैंने सोचा दिखा दूं। ये वाली योगर्ट भी बहुत अच्छी होती है, हम लोगों को ये वाली पसंद है, तो ये जो है ना ये देखें $348 लगी हुई है। ये देखें क्लीनिंग के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाऊं कि कितना अच्छा फ्लोर ये क्लीन कर रहा है। तो और आपको पता है कि इसका सेंसर इतना तेज़ है कि आप बस आगे से गुजरने लगे काफ़ी फासले पे ये स्टॉप हो जाता है। तो ये है कि ये देखें अच्छा है कि क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आ रही हैं। और ये बॉक्सेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए, किसी के लिए भी। उसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं, क्योंकि ये देखें कि ये अगर जैसे अगर आप पराठे के पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो ऑयल बिल्कुल भी साइड से निकलता नहीं है, और ये कि काफ़ी हैवी भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा ये जो है ना ये भी मैंने सोचा कि दिखाऊं, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट थी।
बस वो ये थोड़ा सा चीज़ लेने के लिए थोड़ा सा आप एक आधा स्टोर में चेक कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।